टुडे वी स्टडी ऑफ स्टैंडर्ड 10 सब्जेक्ट सोशल साइंस लेसन नंबर 6 प्लेस ऑफ इंडियन कल्चर हेरिटेज। ठीक है, मतलब ऐसी जगह जो इंडियन कल्चर हेरिटेज में इतिहास में थी। द कल्चर हेरिटेज ऑफ इंडिया इज अ वेरी रिच एंड द प्रोक्योर्स, मतलब इंडिया का जो कल्चर जो हेरिटेज है वो एकदम रिच और प्रोक्योर्स है। इंडिया एज वेल द फॉरेन विजिटर आर अट्रैक्ट टू विजिट द प्लेस ऑफ कल्चर एंड द नेचुरल हेरिटेज इन इंडिया। ऑल ओवर वर्ल्ड के मतलब जो फॉरेनर्स हैं वो अपने इंडिया में इंडियन का कल्चर और नेचुरल हेरिटेज को क्या करते हैं, विजिट लेने आते हैं। उनकी जो मतलब इंडियन का जो कल्चर हेरिटेज है उनको क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। इट इज़ द चैप्टर, इन दिस चैप्टर वी शैल स्टडी अबाउट दिस प्लेसेस। अपने ये चैप्टर में अपने इसके बारे में क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। स्टूडेंट्स, केव ऑफ अजंता, ठीक है, केव मतलब गुफा, केव ऑफ अजंता। द फेमस केव ऑफ अजंता आर सिचुएटेड इन द औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट नियर अजंता विलेज। मतलब ये कहाँ पे आया हुआ है, औरंगाबाद में अजंता विलेज में, अजंता विलेज के पास। दे आर इम्पोर्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू आर द वास्तु, वास्तु के हिसाब, वास्तु के हिसाब से मतलब पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस केव्स आर डिवाइड इंटू टू डिविजन्स, उसको दो पार्ट में डिवाइड करा हुआ है। फर्स्ट में केव बेस ऑन द वॉल पेंटिंग, एक पार्ट है उसका वॉल पेंटिंग के हिसाब से। द सेकंड पार्ट है केव बेस ऑन द स्कल्पचर, और उसके स्कल्पचर के हिसाब से उसको मतलब डिवाइड करा है। मतलब कि केव ऑफ अजंता को दो पार्ट में डिवाइड करा है, एक पार्ट उसका हो गया उसके केव में जो वॉल पे पेंटिंग लगी उसके ऊपर से, और केव बेस जो मतलब उसके ऊपर जो स्कल्पचर है उसके ऊपर से। केव ऑफ नंबर 1, 2, 10, 16, 70 है वो एक्सेलेंट पेंटिंग वॉल, वॉल पेंटिंग, मतलब केव नंबर 1, 2, 10, 16, 17 में एक एक्सेलेंट वॉल पेंटिंग है। एंड हैव टू अटेन द हाइएस्ट रैंक इन द वॉल पेंटिंग, मतलब उसको मतलब वो अटेन भी हुआ है हाइएस्ट वॉल पेंटिंग में। द थीम्स ऑफ द दिस ऑल पेंटिंग्स इज बुद्धिस्ट रीजन, मतलब ये जो पेंटिंग थी वो बुद्धिस्ट रीजन के टाइम पे थी। अजंता केव्स आर डिवाइड इंटू टू कैटेगरी, अजंता केव्स टू कैटेगरी में डिवाइड हुई हैं। दे आर द चिस्तियास एंड द विहार, कौन से पार्ट में डिवाइड हुई है, चिस्तिया एंड द विहार। केव नंबर 9, 10, 19, 26, 29 आर चिस्तिया, ने वेयर आर द रिमेनिंग जो बच गई है वो कौन से की है, विहार की है। अजंता केव्स वेर फ्रोगटन विद द पैसेज ऑफ द टाइम बट 1819 एंड द इंग्लिश कैप्टन जॉन स्मिथ रिस्कोवर्ड डैम। अजंता केव्स आर द मैग्निफिशेंट एग्जाम्पल ऑफ द इनिशियल बुद्धिस्ट आर्ट ऑफ द वास्तु। आर्ट ऑफ द पेंटिंग एंड द स्कल्पचर ह्यूमन इंटरफियंस एंड द इम्पैक्ट ऑफ द टाइम हैव टू जेटली डैमेज दैम, मतलब कि ये जो मतलब कि अजंता केव में जो वॉल पेंटिंग है, स्कल्पचर है, वो ह्यूमन का इंटरफेरेंस की वजह से या काफ़ी मतलब कि कुछ रीज़न से मतलब वो थोड़ा क्या हो गया, डैमेज हो गई है। अजंता केव्स आर फेमस नॉट ओनली इन इंडिया बट ऑल्सो इन द वर्ल्ड, मतलब अजंता केव्स ओनली इंडिया में नहीं पर ऑल ओवर वर्ल्ड में क्या है, वो फेमस है। नेक्स्ट हो गया इलोरा केव्स, इलोरा केव्स आर द सिचुएटेड एट द औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट इन द महाराष्ट्र, वो कहाँ पर आई हुई है, औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र में। देर आर 34 केव्स इन ऑल, इसके अंदर टोटल कितनी केव है, 34 केव्स है। देर आर 3 ग्रुप्स केव टेम्पल्स एंड दे आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, मतलब इसके अंदर तीन पार्ट्स हैं, तीनों पार्ट तीन ग्रुप हैं, तीनों ग्रुप हैं एक दूसरे से क्या है, डिफरेंट है। 1 and 2 आर द बुद्धिस्ट केव हो गया, 13 and 29 जो केव्स है वो हिंदू केव्स हो गया, 30 से लेकर 34 जो केव्स हैं वो किसकी केव्स हो गई, जैन केव्स हो गई। हिंदू केव्स आर बिल्ट ड्यूरिंग द रीजन ऑफ द रस्तकोद्रा डेस्टिनी। कालिदास टेम्पल सिचुएटेड इन द केव नंबर 16, इधर कालिदास टेम्पल जो है वो केव नंबर 16 में है। वो कितनी लॉन्ग है, 50 मीटर लॉन्ग है और 33 मीटर वाइड है, और उसकी हाइट कितनी है, 30 मीटर है। दिस टेम्पल इज अ केव आउट ऑफ द सिंगल मैसिव रॉक्स, मतलब ये जो केव है वो टोटली केव में जो मंदिर है वो सिंगल मैसिव रॉक से बना हुआ है। दिस टेम्पल इज अ एड्रोनट विद द ब्यूटीफुल डोर्स, इसका ब्यूटीफुल डोर्स है, बालकनी है, सीरीज ऑफ द पिलर्स है। द ब्यूटीफुल ऑफ द टेम्पल कैन नॉट बी डिस्क्राइब इन द वर्ड्स, मतलब ये ब्यूटीफुल डोर है मतलब उसको मतलब वर्ड्स में तो उसको डिस्क्राइब कर ही नहीं सकते, इतना अच्छा वो मतलब टेम्पल है। देर आर कंस्ट्रक्शन ड्यूरिंग एक टाइम, वो कंस्ट्रक्शन का टाइमिंग कितना है, 600 से लेकर 1000 AD। इट इज़ द लाइव डिस्प्ले ऑफ द एशियन इंडिया सिविलाइजेशन, केव डेडिकेटेड टू हिंदू जैन एंड बुद्धिस्ट रीजन, मतलब ये जो केव किसके लिए खास है, हिंदू बुद्धिस्ट और जैन रीजन्स के लिए।
Isidora Kempis is not only the example of the magnificent creation of art, but also best example of the excellent technology. Moreover, describe about the patient of the Indians. Elephanta caves. This cave are built in the Arabian Sea, 12 km away from Mumbai in Maharashtra. मतलब ये कहाँ पे है? Arabian Sea में है, 12 किलोमीटर दूर मुंबई में, महाराष्ट्र में. There are 7 caves in all. इसके अंदर टोटल कितनी केव है? 7 केव्स है. There is a Huck Stone monument of an elephanta. उसमें एक बड़े से पत्थर है जिसे आपको देखने में एलिफेंटा जैसा लगता हो. On seeing this structure of the Portuguese name in elephanta. ये पत्थर को देख के पोर्टुगीज लोग ने उसका नाम क्या रखा था? एलिफेंटा. मैनी ब्यूटिफुल फिगर्स हैव टू बीन क्रेव आउट ऑफ देम द मैग्निफिशेंट त्रिमूर्ति टेम्पल. मतलब इसमें त्रिमूर्ति टेम्पल है ब्रह्मा विष्णु एंड महेश की. ये तुमको बाजू में दिख रहा है स्टूडेंट्स. ये केव नंबर कौन से में है? 1 में है. इट इज द बेस्ट स्पाइसमैन ऑफ द स्कल्पचर इन 1987 इन यूनेस्को हैज प्लेस एलिफेंटा केव. मतलब ये जो मूर्ति है उसको बेस्ट स्पाइसमैन स्कल्पचर में गिना गया है यूनेस्को में. कब? 1987 में. स्टूडेंट्स इधर हुआ केव्स खत्म हो गए. नेक्स्ट अपने सेकंड पार्ट में पढ़ेंगे. थैंक यू.